नमस्कार, मैं हूं गजानंद वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह, कक्षा 11 के लिए पाठ संख्या 6, पुस्तक आरोह पाठ संख्या 6, कवि त्रिलोचन। इनका जन्म 1917 में हुआ। त्रिलोचन इनका मूल नाम, बचपन का नाम वासुदेव था। और इनके प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब, बुलबुल, दिवंगत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरघान, तुम्हें वैसे सौंपता हूँ, चेती, अनमोल, मेरा घर, जीने की कला, काव्य देश काल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्ति बोध की कविताएं, हिंदी की अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इनके प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम, लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषाविद भी थे, अर्थात इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया, लेकिन ये शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर हैं। देखिए, छायावादी कवि की रोमानियत से मुक्त हैं। ठाट ठेठ गाँव की जमीन से जुड़ा हुआ है, अर्थात इन्होंने जो कुछ लिखा है वो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जमीन से जुड़ करके इन्होंने कोई काम किया है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट अंग्रेजी छंद की स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। देखिए, इन्होंने जो ये पाठ देख रहे हैं आप कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीती, चंपा इनके पड़ोस में रहने वाली एक ग्वाले की लड़की है, वो इनकी बातों को सीखना नहीं चाहती, स्वीकार नहीं करना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कोई उनके सामने पढ़ाई लिखाई की बातें करे। ऐसी स्थिति में वो कई बार इनकी कलम चुरा लेती है, कभी इनके कागज़ चुरा लेती है, इनको परेशान भी करती है, और ये भी मनोरंजन के तौर पे उनसे कई प्रकार की बातें करते हैं। यहाँ दे भी रखा है कि जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं, काव्य नायिका चंपा अनजाने उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को उनके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर बजर गिरी, अर्थात उनसे कवि कहना चाहते हैं कि भाई कलकत्ता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो कल हो सकता है पढ़ लिख जाओ, कल को आप अपने पति के साथ में अगर यहाँ रहेंगे तो यहाँ रहेंगे, उसके पश्चात आपके पति अगर कलकत्ता चले गए तो आपको भी साथ चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, इस प्रकार के कलकत्ता पर बिजली गिरे, अर्थात बजर गिरे, इस प्रकार के कलकत्ता पर बजर गिरे, मैं तो पहली बात तो शादी नहीं करूंगी, अगर मेरी शादी हो भी गई तो मैं अपने बालम अर्थात अपने पति के संग अर्थात साथी रहूंगी, मैं अपने पति को नहीं जाने दूंगी। इस तरह की कई बातें कवि के सामने चंपा से होती है। अब इससे पद्य के आधार पर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीती, अर्थात चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। चीती का मतलब हो गया पहचानती, अर्थात जानती नहीं है। देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे स्वर निकला करते हैं, उन्हें बड़ा अचरज होता है, किन काले अक्षरों से, उन्हें अचंबा होता है कि इन काले काले अक्षरों से कैसे शब्द निकलते हैं, उन्हें अचंबा होता है, अचरज होता है कि इन काले काले जो शब्द हैं इनसे कैसे स्वर निकलते हैं। तो चंपा काले काले अक्षर नहीं चीती, ऐसा मानते एक चंपा उनके पड़ोस में रहने वाली एक नन्ही बालिका थी। उनके पिता चरवाहे थे, अब पशुओं को गाय भैंस चराने के लिए जाते, चौपायों को चराने जाती थी। वक्त मिलने पर उनके पिता
के काम को हाथ बटाने के लिए चंपा भी चली जाती थी, इसलिए चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अर्थात इस प्रकार से चंपा नामक जो लड़की थी वो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती थी कि ये काले काले अक्षर क्या हैं और इनसे किस तरह से स्वर निकलते हैं, किस तरह से आवाज़ निकलती है, ये उनके अचंभे की बात थी। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, जब मैं पढ़ने लग जाता हूँ तो वह आ जाती है, अर्थात आकर के विचार करने लग जाती है, जब पढ़ने लग जा तो आ जाती है, मेरे इन पढ़ने को देख करके वह मेरे पास जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरी बातों को खड़ी खड़ी चुपचाप वो सुना करती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, मेरी बातों को क्या करती है कि खड़ी खड़ी चुपचाप आकर के सुनती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसे बड़ा अचरज होता है, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा अचंभा होता है मेरी बातों को जान करके, उसे बड़ा अचरज होता है, उसे मेरी बातों को जान करके बड़ा अचरज होता है, उसे बड़ा अचंभा होता है कि किस प्रकार से ये शब्दों के माध्यम से बोल रहे हैं, किस प्रकार से शब्दों की रचना के माध्यम से आवाज़ निकल रही है, इन काले काले चिन्हों से कैसे सब स्वर निकला करते हैं, उन्हें इन स्वरों को देख करके, शब्दों को देख करके अचंभा होता है कि किस प्रकार से इन काले काले शब्दों को देख करके, काले काले स्वरों को देख करके किस प्रकार से इनसे आवाज़ निकलती है, किस प्रकार से इनसे स्वर निकलते हैं, ये काले काले शब्दों के माध्यम से किस प्रकार से आवाज़ निकलती है, किस प्रकार से स्वर निकलते हैं, इन काले काले शब्दों को देख करके चंपा को बड़ा अचंभा होता है। ये त्रिलोचन जो हैं, त्रिलोचन कहना चाह रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उनके लिए तो बड़ा ही अचंभा था। अब देखिएगा, ये चंपा नामक जो लड़की है भोली बाली गांव में पशुओं को चराने वाली, चौपायों को चराने वाली थी, इनको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है। अब वो क्या है कि इनके इनका परिचय कराना चाहते हैं, चंपा है कौन, किसकी पुत्री है। चंपा सुंदर की लड़की है, अर्थात चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर इनके पिता का नाम है, अर्थात चंपा के पिता का नाम सुंदर है। तो क्या कहा, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। ये कहना चाहते हैं कि चंपा सुंदर की लड़की है, अर्थात चंपा के पिता का नाम सुंदर है और वह सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। सुंदर जो इनके पिता है वो एक ग्वाला है, वो गायें रखता है, भैंसे रखता है, प्रातःकाल उठकर के अपने गाय भैंसों को लेकर के चरवाहे के रूप में, चरवाही के रूप में अर्थात अब पशुओं को चराने के लिए जंगल में वन में चले जाता है। ठीक उसी प्रकार से वक्त मिलता है अपने पिता की मदद करने के लिए, समय समय पर वो भी क्या है अपने पिता की सहायता करने के लिए, समय समय पर चंपा को भी क्या है कि पशुओं को चराने के लिए जाना पड़ता है। दे रखा है सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है, सुंदर इनके पिता का नाम है, इनके पिता सुंदर है, वो गायें भैंसे रखता है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। इसके पिता, चंपा के पिता गाय भैंस चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए वन में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने पिता की मदद करने के लिए, अपने पिता के पिता को ध्यान रखते हुए कि मेरे पिताजी दिन भर काम करते हैं, मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए, इस प्रकार से वक्त आने पर अपने पिता की सहायता करने के लिए, समय समय पर अपने पिता की सहायता करने के लिए इनको भी वन में चरवाही करने के लिए अपने पशुओं को लेकर के जाना पड़ता है, अर्थात ये भी ग्वालिन है, ये भी पशुओं को चराती है। अब जब पशुओं को चराती है तो पढ़ाई लिखाई इनका ज्ञान नहीं है, जो भी इनके सामने पढ़ाई लिखाई की बात अगर करता था तो उनको बुरा लगता था, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको पढ़ाई की ज्ञान का, पढ़ाई की कीमत का क्या मालूम। इस प्रकार से ये इनके पिता जो ग्वाले हैं, जो कि सुंदर नामक हैं, गाय और भैंसों को चराने जाते हैं, पशुओं को चराने के लिए वन में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने पिता की मदद करने के लिए ये भी कभी कभी पशुओं को चराने के लिए चली जाती हैं। इस प्रकार से ये भी एक तरह से ग्वालिनी है। अब देखिए, चंपा अच्छी है, चंचल है, चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गाय, परेशान फिर हो जाता हूँ। कभी कहना चाहते चंपा अच्छी है, मैं मानता हूँ चंपा बहुत अच्छी लड़की है, चंचल है, बड़ी ही चंचलता है उसके अंदर, नोटी है, नटखट है, नटखट भी है, अर्थात वो मनमानी भी करती है, कभी कभी उधम करती है, और ऐसी स्थिति के अंदर वो कभी कभी शैतानी करती है और मुझे परेशान भी करती है। याद रखा है चंपा अच्छी है, चंपा बहुत अच्छी लड़की है, चंचल है, उसमें चंचलता है और
नटखट भी है, साथ में नटखट भी है, चंचल है, अर्थात हर काम को स्फूर्ति से करती है। नटखट मतलब कहना भी वो नहीं मानती है, नटखट है। कभी 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 उद्यम करती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा शरारत भी करती है। कभी कभी वह कलम चुरा देती है। मैं जब काम करने लिखता हूँ, दिन भर में कागज़ पर कुछ न कुछ लिखा करता हूँ, ऐसी स्थिति के अंदर वह मेरी कभी कभी कलम चुरा लेती है, कभी कभी मेरी कलम भी चुरा लेती है, अर्थात वो मेरी कलम चुरा लेती है। कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी कलम चुरा देती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा शैतानी करती है और मेरी कलम भी चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ, बड़ी मुश्किल से उस कलम को ढूंढ करके लाता हूँ, ढूंढने का प्रयास करता हूँ, और ढूंढ करके जब मैं उस कलम को लेकर के आ जाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। जब मैं कलम ढूंढ करके ले आता हूँ तो मौके की तलाश में होती है, अब वो मेरा कागज गायब कर देती है। अब मैं कागज को ढूंढने लग जाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। जब मैं कलम को ढूंढ करके लाता हूँ तो इतनी देर में मेरा कागज गायब कर देती। अब मैं कलम के द्वारा किस पर लिखूँ, अर्थात दिन भर मेरा काम होता है कलम के द्वारा कागज पर कुछ न कुछ लिखते रहना। जब मैं कलम को ढूंढ करके लाता हूँ तो कागज गायब हो जाता है, परेशान फिर हो जाता हूँ। ऐसी स्थिति के अंदर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। अब देखिए इस नीचे देखिए, चंपा कहती है इस बात को सुनकर के, चंपा कहती है ये तो क्या है कि कवि जो त्रिलोचन है वो चंपा की जो स्थिति है, चंपा क्या कुछ करती है उसके बारे में कवि ने बताया, लेकिन साथ में अब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि चंपा कवि को क्या कह रही है। जब वो दिन भर इस तरह के काम में फंसे रहते हैं तो इनकी बातों को जान करके कवि को चंपा क्या कह रही है, अब वो देखिए। चंपा कहती है, चंपा क्या कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। अरे भाई मेरे तो ये समझ में नहीं आया कि आप दिन भर कागज पर कुछ न कुछ लिखते रहते हो, कागज गोदा करते हो, अर्थात आप कलम के द्वारा दिन भर कागज पर कुछ न कुछ लिखते रहते हो। अरे क्या लिखते हो मेरे तो समझ में नहीं आता। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। अरे भाई मेरे तो ये समझ में नहीं आया, आप दिन भर कागज पर कुछ न कुछ लिखते रहते हो, कागज गोदते रहते हो, कागज पर दिन भर कुछ न कुछ लिखते रहते हो, मेरे तो ये सारी चीजें समझ से बाहर की चीजें हैं। क्या ये काम बहुत अच्छा है, अरे आप दिन भर कागज पर कुछ न कुछ लिखते रहते हो, ये काम ज्यादा अच्छा है क्या? मुझे तो लगता नहीं कि काम ये बहुत अच्छा है। क्या तुम ये काम करते हो दिन भर कागज पर कुछ न कुछ लिखते रहते हो, क्या ये काम बहुत अच्छा है? मुझे तो लगता नहीं कि अच्छा काम है, दिन भर आप कागज पर लगे रहते हो और कोई काम करते नहीं हो। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, क्योंकि पढ़ाई का मोल चंपा को नहीं है। जब वो इस तरह की बातें जब करती है, दिन भर तुम कागज पर कुछ न कुछ गोदते रहते हो, कागज पर कुछ न कुछ लिखते रहते हो, तो आपके द्वारा किया गया काम क्या अच्छा है क्या? तो इनकी बातों को सुनकर के, चंपा की बात को सुनकर के मुझे हंसी आ जाती है, चंपा की बात को सुनकर के मैं हंसने लग जाता हूँ। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, अर्थात इनकी बातें सुनकर के मुझे हंसी आ जाती है, मां हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। जब मैं चंपा की बात को सुनकर के हंसने लग जाता हूँ तो चंपा मेरी बात को सुनकर के चुप हो जाती है, मेरे हंसने के बाद चंपा चुप हो जाती है। ये देखिए चार जो पद हैं इनको एक बार तुम दोबारा देख लो, जिसके कारण कोई भी समस्या आपके मन में हो दूर हो जाए। बहुत ही सरल पाठ है, बहुत ही ईजी पाठ है, एक साधारण तरीके से लिखा गया पाठ है। दोबारा देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंहती, चिंहती का मतलब पहचानती। चंपा एक सुंदर नाम है, ग्वाले की लड़की है, वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए क्या है कि पढ़ाई का ज्ञान उसे नहीं है, और जो कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ाई के बारे में चर्चा करता है, पढ़ाई की बात उसके सामने करता है, वह इंसान भी उसको बुरा लगता है, क्योंकि पढ़ाई उसको ठीक नहीं लगती। वो तो सुबह पहले उठ करके अपने पिता की सहायता करने के लिए, पशुओं को चराने के लिए जंगल में चली जाती है। देखिए चंपा काले काले अक्षर नहीं चीती, अर्थात चंपा जो ग्वाले की लड़की है, वह काले काले जो अक्षर हैं किसी कागज़ पर लिखे गए काले काले अक्षर हैं, उनको नहीं चीती का मतलब नहीं पहचानती, नहीं जानती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कभी कहना चाहते हैं कि जब मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ, मैं पढ़ने लग जाता हूँ तो आ जाती है, मुझे पढ़ता हुआ देख करके मेरे समीप आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, क्योंकि जो मैं कुछ लिखता हूँ उनको गुनगुनाता रहता हूँ और वो चुपचाप मेरी बातों को सुनती रहती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बड़ा अचंभा होता है कि काले काले शब्दों को देखकर, काले काले चीज़ों को देख करके या क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है, उन्हें सुन करके बड़ा अचंभा होता है, अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं,
कि काले काले जो लाइन सी बनी हुई है इनसे किस प्रकार से शब्द निकल रहे हैं, इससे किस प्रकार से आवाज़ निकल रही है, ये जान करके चंपा को बड़ा अचंबा होता है, अचरज होता है। ये विचार करते हैं कि इन काले काले जो स्वर हैं, काले काले शब्द हैं, काले काले जो अक्षर हैं, इनसे किस प्रकार से आवाज़ निकलती है। चंपा सुंदर की लड़की है। जो चंपा, ये दे रखा है कि चंपा कौन थी, अभी क्या है कि चंपा का परिचय करवा रहे हैं त्रिलोचन जी। चंपा सुंदर की लड़की है, अर्थात इनके पिता का नाम सुंदर है और सुंदर की लड़की का नाम चंपा, अर्थात इनके पिता एक ग्वाले हैं और प्रातः काल उठ करके गाय भैंसों को चराने के लिए वन में जाते हैं। अपने पिता की सहायता करने के लिए समय समय पर इनको भी क्या है कि वन में जाना पड़ता है। देवी रखा है चंपा सुंदर की लड़की, अर्थात चंपा सुंदर नाम है ग्वाले की लड़की है। सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। सुंदर एक ग्वाला है और गायें भैंसे रखता है, दिन भर गायें भैंसों के पीछे चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से पिता की सहायता करने के लिए इनको भी पशुओं को चराने जाना पड़ता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। अपने पिता की सहायता करने के लिए चौपाय अर्थात चार पैरे वाले पशु जिसे गाय है भैंस है, इनको चराने के लिए चंपा भी वन में जाती है अपने पिता की सहायता करने के लिए। चंपा अच्छी है, चंचल है। ये मानते हैं कि चंपा अच्छी है, बड़ी अच्छी है, चंचल है, बड़ी चंचल है, अर्थात हर काम को स्फूर्ति से करती है, उसमें आलस्य नामात्र नहीं है, नटखट भी है, बड़ी नटखट है, नोटी है, नटखट है कहना नहीं मानती, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, उद्यम मचाती है। ये कह रहे हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा उद्यम मचाती है, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, वो कहना नहीं मानती तो शैतानी निश्चित रूप से करेगी ना। कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। मैं जब काम में लगा रहता हूँ, जब मैं लिखने पढ़ने में लगा रहता हूँ तो मौका पा करके वो मेरी कलम चुरा देती है, कलम को छुपा देती है, चुराने के बाद छुपा देती है, जिसके कारण मैं उस कलम को ढूंढता रहूँ। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, अर्थात मेरी कलम चुरा देती है और कलम को उठा करके किसी दूसरे स्थान पर रख देती है, जिसके कारण मैं उस कलम को ढूंढता रहूँ। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाता हूँ, बड़ी मुश्किल से उस कलम को ढूंढ करके लाता हूँ, क्योंकि कलम के बिना मैं कागज़ पर किस प्रकार से लिखूँ। बड़ी मुश्किल से परेशान होकर के जैसे तैसे करके मैं कलम को ढूंढ करके लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब। जैसे कलम ढूंढ करके लेता हूँ तो क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर बाद में मुझे मालूम पड़ता है कि जिस चीज़ पर मैं लिखना चाहता हूँ वो तो इस समय गायब है, और मैं किस पर लिखूँ, अब देखता हूँ पाता हूँ अब कागज़ गायब, अब कलम मुझे मिल गई है तो कागज़ गायब हो गया, अब कलम के द्वारा मैं किस पर लिखूं तो मुझे कागज़ भी ढूंढने का प्रयास करना पड़ता है, परेशान फिर हो जाता हूं, अर्थात मुझे चंपा बहुत परेशान करती है। ऐसी स्थिति में कभी कागज़ गायब हो जाता है, कभी कलम गायब हो जाती है, और उनको ढूंढने में मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो शैतान थी, नटखट थी, वो अपनी मनमर्जी कर लेती, छोटी बच्ची थी, इसलिए उनको डांट भी ज़्यादा नहीं सकता था। अब देखिए ये ऊपर वाली बातें तो क्या है कि चंपा का परिचय दिया गया, चंपा क्या करती है, किसकी लड़की, इस तरह से चर्चा चल रही थी। अब देखिएगा इसमें इधर का चंपा कहती है, अब देखिए इन बातों को जान करके दिन भर वो जो काम करते हैं, दिन भर कागज़ पर कुछ लिखा करते हैं, दिन भर उनकी कलम को देख करके, दिन भर कलम पे कुछ, कलम के द्वारा कागज़ पर कुछ न कुछ लिखते रहते थे, इससे वो खुद परेशान हो जाती है, उनके पास में उनके प्रश्नों का जवाब नहीं होता है। तो इन बातों को जान करके चंपा वो कवि से क्या करिए वो आप सुनेंगे। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। अरे भाई वो चंपा अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई का ज्ञान उन्हें नहीं था, पढ़ाई की जानकारी उन्हें नहीं थी, पढ़ाई का रस उन्हें नहीं था, पढ़ाई का आनंद उन्हें नहीं आता था कि ये दिन भर क्या करते हैं, और पढ़ाई में उनकी नियत भी नहीं थी, क्योंकि उनको तो पशु चराने में ध्यान रहता था, पशुओं के बारे में उनकी पूरी जानकारी थी, उनमें पूरी रुचि थी। तो क्या कहा चंपा कहती है, क्योंकि उसको क्या पता पढ़ाई का क्या ज्ञान है, पढ़ाई का क्या महत्व है और पढ़ाई किस काम आती है। तो चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। अरे भाई मेरे तो ये समझ में नहीं आया, मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो तुम दिन भर कागज़ पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हो। अरे क्या लिखते हो, हमें ये तो समझ में नहीं आता, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। मेरे तो ये समझ में नहीं आया कि आप दिन भर कागज़ पर क्या लिखा करते हो, दिन भर कागज़ पर कुछ ना कुछ आप लिखते रहते हो, ये तो मेरे समझ से बाहर कीजिए, मैं जब भी देखती हूँ तो आप दिन भर कागज़ पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, क्या ये काम बहुत अच्छा है। अरे भाई दिन भर तुम कागज़ पर लिखते रहते हो, क्या तुम्हारे द्वारा किया गया काम बहुत अच्छा है क्या, मुझे तो लगता नहीं कि आपका काम बहुत अच्छा है। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ, चंपा की इन बातों को सुनकर के मुझे हंसी आ जाती है और मैं हंसने लग जाता हूँ। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ,
चंपा की बातों को सुन करके मैं हंस देता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं दिन भर तुम कागज़ गोदा करते हो, दिन भर तुम कागज़ पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हो। ये बातें जान करके मुझे हंसी आ जाती है, मुझे हंसना पड़ता है उनकी बातों को सुनकर। क्या कहा? ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। वो कहते हैं तुम दिन भर कागज़ गोते रहते हो, दिन भर कागज़ पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हो। ये बातें जान करके लेख कवि ने मन में विचार किया और कहा कि इनकी बातों को सुन करके मुझे हंसी आ जाती है, मैं हंसने लग जाता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती, मेरी हंसी को जान करके जब मैं हंसने लग जाता हूँ तो चंपा मेरी बातों को जानने के पश्चात चुप हो जाती है, क्योंकि मुझे हंसी आ रही है तो इसका मतलब वो मेरे पर हंस रही है, ये जान करके वो चुप हो जाती है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि ये जो पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इसके चार पद्य आपके सामने बताए गए हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अनपढ़ इंसान, उनकी दोनों की सामंजस्य नहीं बैठ सकता। हाँ, हो सकता है उसमें बुद्धि ज़्यादा हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई का ज्ञान, पढ़ाई का आनंद तो उन्हीं आता है जो प्रतिदिन क्लास में जा करके पढ़ता है, पुस्तक लेकर पढ़ता है। तो वो कवि थे, उनका काम था दिमाग में उनके विचार जितने सारे आते थे उनको कागज़ लेकर के वो लिखते रहते थे। अपने जीवन की कला को उभारने के लिए उन्होंने विचार करके सारी चीज़ें लिखी है। इन्होंने त्रिलोचन ने किया कि वही बातें इस पाठ के माध्यम से उकेरी है, जो ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने के लिए इंसान किस तरह से जीवन यापन करता है, और ग्रामीण परिवेश के आधार पर इन्होंने बिल्कुल ठाट बाट से इस तरह से लिखा है जिस प्रकार से ये ग्रामीण परिवेश से लिया गया चित्र हो, बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे कि इंसान ग्रामीण जीवन यापन करता है। ठीक उसी प्रकार से त्रिलोचन ने इस पाठ के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है। और देखिए कितने सुंदर उदाहरण दे कि चंपा नामक लड़की, ग्वाले की लड़की, उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, और जब ये पढ़ने बैठ जाते थे, जब ये लिखने बैठ जाते थे तो उनको बुरा लगता था, क्योंकि स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए खुद को भी पढ़ाई का ज्ञान नहीं था, और जो भी पढ़ाई की उनके सामने कोई बात करता था चंपा को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी। और ये पता भी सही है कि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है उनको पढ़ाई लिखाई की अगर बातें की जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको आनंद नहीं लाता, उनको बुरा लगता है। इसलिए कभी उनके सामने पढ़ाई लिखाई की बातें करते तुम्हें भी पढ़ लाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, किंतु वो पढ़ाई लिखाई की बातें उनको ठीक नहीं लगती थी। वो मानते थे कि मेरे सामने पढ़ाई लिखाई की बातें क्यों करे, मुझे तो ठीक नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई की बातों की चर्चा करते समय उनको बुरा लगता, वो समझाने की कोशिश करते, तो फिर वो कहते कि इस प्रकार से फिर वो और भी चर्चा इस पाठ में करेंगे। तो देखिएगा चंपा और जो कवि के बीच में जो सामंजस्य, चंपा और कवि के बीच में जो बातें हुई उसकी चर्चा इस पाठ में की गई है। थैंक यू, बाय, बाकी कल।